प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्रिमंडल के सहयोगी लोक निर्माण मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिन्हें इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो चुका था, श्रीमती कृष्णाराज जी, लोकप्रिय विधायक श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, सौरभ सिंह सोनू जी, शशांक त्रिवेदी जी, विनोद शंकर अवस्थी जी, लोकसभा के प्रभारी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबके उत्साह के लिए अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के दो होनहार कार्यकर्ताओं को श्री सतीश कौशल वाजपेयी और श्री अमित त्रिपाठी की दुखद मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन सभी शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। आला चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो चुका है और जो बाकी चुनाव है 3 चरणों में पहले से ही रुझान तय कर दिया है और पूरे देश का रुझान क्या है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। जब लोगों से मैं देश के अंदर पूछता हूं कि भाई क्यों आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि जो नाम तो लाए हैं
की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था,